हेलो फ्रेंड्स, आप सभी फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एज पर योर चॉइस, एज पर योर सजेशन, आपके सजेशन पे ये टॉपिक लाया गया है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एज पर माय एक्सपीरियंस। तो मेरे एक्सपीरियंस, माय 4 ईयर एक्सपीरियंस, मैं 5 स्टेप्स रिकमेंड करूंगा, 5 पॉइंट्स रिकमेंड करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो, उसकी बॉन्डिंग है वो मजबूत हो सके, तो उसको पर डिस्कस करेंगे हम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, कि स्टूडेंट भी क्या चाहता है कि मेरा जो टीचर हो, जो मुझे पढ़ा रहा है, टीचर जो टीच कर रहा है वो मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स की कद्र करे। तो टीचर को भी वैसा होना चाहिए कि वो बच्चा है वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है, वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को उसे उसकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए। दूसरा है पेशेंस। तो पेशेंस, एक टीचर का पेशेंस क्या हो सकता है, क्लासरूम में जाने से पहले ये आपको 1000 टाइप की कंडीशन सोच करके एंटर होना पड़ता है। बच्चा चाहे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आप भले कितना भी मेहनत करके पढ़ा दो, अगर वो उसके दिमाग में नहीं बैठा, और आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस तरीके से उसका दिमाग खोल करके उसमें वो चीज फिट कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप वो सीख नहीं रहे, तब तक आप भी सक्सेसफुल नहीं हो, वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो पेशेंस, तो वो चीज को बियर करने का पेशेंस होना चाहिए। और काफी ऐसी कंडीशन में एंग्री होकर के बच्चे की पिटाई कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई उड़ीसा की लैंग्वेज, उड़िया सिखाने की कोशिश करेगा, तो मुझे शुरू में समझ में नहीं आएगा, एज पर आई एम द टीचर, बट मुझे आई एम सब ऊपर से जाएगा, मेरा ऊपर वाला माला खाली हो जाएगा। तो हमें पेशेंस इंपॉर्टेंट। थर्ड वन बिहेवियर, और वी कैन से रोल मॉडल। बच्चा अपने आप को, खुद को टीचर से कंपेयर करने की कोशिश करता है, वो उसकी नजरों में टीचर उसके लिए रोल मॉडल होता है, कोई फिल्म का हीरो है उसकी तरह, हीरो हीरोइन की तरह ही वो अपने टीचर को एक्सपेक्ट करता है। तो वो अगर अपना रोल मॉडल आपको समझता है, तो आप में आपका बिहेवियर है उसमें आपकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो वो आपको अपना रोल मॉडल बनाए। तो अपनी एक एक एक्टिविटी पर वॉच होना चाहिए ऑब्वियसली। सो हमारे जो स्टूडेंट है वो आने वाले भारत का भविष्य है, तो उनको देख करके हमें हमारा बिहेवियर है वो रखना चाहिए सूटेबल। फोर्थ वन सिंसियर कनेक्शन। कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ उसमें सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो मन में आ रहे बच्चे से करवा रहे हो, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट, मैंने जैसे 4 ईयर में एक्सपेक्ट किया, कि मैंने शुरू में जैसे ही मैं गया, मैंने कहा मैं ऐसा करूंगा तो बच्चा ऐसा करेगा, नहीं, बच्चा ऐसा नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ऑब्वियसली मुझे पेशेंस नहीं होगा और मैं गुस्सा करूंगा, ये रॉन्ग चीज हो गई। बच्चे को बीच में कनेक्शन कब क्रिएट हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग सिंसियर कनेक्शन कब क्रिएट हो पाएगा, जब हम उनकी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं, और दोनों ही हम सोचे कि सिर्फ बच्चा हमें रेस्पेक्ट दे और हम उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे, ये गलत है। आप बच्चे को वो जो प्यार जो डिजर्व करता है, नो डाउट अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डांटो, बट अगर वो काम कर रहा है और वो सिंसियरिटी से लव डिजर्व कर रहा है, तो उसका उसको अप्रिशिएट करना नेसेसरी है। लेकिन अगर हम वो नहीं करते, देन इट इज अ ग्रेट मिस्टेक। आफ्टर देन लास्ट वन पॉइंट पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आप भले 30 मार्क खान होंगे अपनी क्लास के, आप पढ़ाने में सुपर्ब हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे आपसे सीखे और आपसे ट्रेंड हो, बिल्कुल नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम भी जब जाते थे, तो ऐसा नहीं कि एपीजे अब्दुल कलाम इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनसे सारे बच्चे सीख गए, नो, नहीं सीखते थे। बट ऐसी कंडीशन में हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही मैं सोचता हूं कि जब भी कोई टीचर अगर क्लास में एंटर होता है, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बंदा है वो साइंटिस्ट बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, तो पता नहीं कितनी बार उसका टीचर है टाइम पे क्लास में गया होगा, उसको ट्रेंड किया होगा, उसको छोटी छोटी चीजें बारीकी से सिखाई होगी, उसके बाद उसमें वो जज्बा, उसमें वो चीज आई होगी कि उसने अपना कैलिबर दिखाया और देश को गौरवान्वित किया। तो
एटीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर जो वो चाहता है अगर वो नहीं बना तो भी कुछ ना कुछ बनेगा और आपको ऑब्वियसली वो याद करेगा। तो फाइव पॉइंट्स है जिनसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जा सकता है और आपके स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो सकती है। तो आपको अपना वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।